अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खान सिस्टर। आई होप सो आप सभी खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम सभी भी एकदम खैरियत से हैं। तो आज हो चुका है सातवां रोज़ा और कैसे कैसे जल्दी इतना जल्दी रोज़ा इस वक्त बीत रहा है फ्रेंड्स, पता ही नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। तो सुबह हो चुकी है और सुबह जो मेरी है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी सुबह कैसे होती है। आप ये देख सकते हैं सारे ट्यूशन वाले बच्चे जो हैं वो आके बैठ गए हैं और मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। तो अभी मैं इन लोगों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद मैं कुरान की तिलावत करूँगी, क्योंकि भोर में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सर बहुत दर्द हो रहा था, इस वजह से मैंने नहीं किया भोर में तिलावत। तो अभी मैं करूँगी उन लोगों को ट्यूशन से पढ़ाने के बाद। उसके बाद मैंने आज दो तीन चीज़ जो है अफ्तारी में आज ऐड करवाई है, मतलब क्या क्या चीज़ बनाना है, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या बनवा रही हूँ, मतलब बना रही हूँ, बनवा नहीं रही हूँ सॉरी। तो मैं इन लोगों को पहले पढ़ा लेती हूँ फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स बच्चे चले गए हैं ट्यूशन पढ़कर, मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ और मैं अब जा रही हूँ कुरान की तिलावत करने, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया है कि भोर में मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं भोर में नहीं पढ़ पाई, कुरान की तिलावत नहीं कर पाई। तो अभी मैं जा रही हूँ कुरान की तिलावत करने और उसके बाद फिर अभी बच चुके हैं 10:30, मतलब 11:15 ऑलमोस्ट हो चुका है, बच्चे जा चुके हैं। तो मैं जा रही हूँ फटाफट, मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारा काम करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ ट्यूशन पढ़ाने के बाद किचन में, और किचन में आने के बाद मैं यहाँ देखी कि मम्मी ने जो है दही बड़े का पेस्ट जो है वो पीस कर रख दिया है, और यहाँ पर आज इफ्तार में बनेगा छोला। तो मटर भी मम्मी ने फुला दिया है, मतलब भोर में ही उठी थी तभी उन्होंने डाल दिया था मटर फूलने को, तो मटर भी हो गया और दही बड़े का पेस्ट भी हो गया। और आज एक और चीज़ स्पेशल है, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से बनाना चाहिए, तो एकदम सॉफ्ट होगा वो। तो सारे काम करने के बाद और अज़हर की नमाज़ पढ़ने के बाद फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद मैं यहाँ पर जो है मटर वो मैं उसको जा रही हूँ अभी फटाफट चढ़ाने। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि जो ये मटर का जो पानी है उसको मैं अच्छे से धुल कर और इसको कुकर में मैं निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुकर जो है कुकर में मटर को डालकर चढ़ा दिया है, और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ उसका फ्लेम जो है वो ऑन करने, और उसके बाद मैं इसमें पहले अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड करूँगी। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है फ्रेंड्स वो बना लेने से कितना ज़्यादा काम देखिए जो इजी हो जा रहा है यह। तो फ्रेंड्स इसमें अभी मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से दे सकते हैं फ्रेंड्स, आपको तेज और हल्का कम खाना है तो आप अपने अंदाज से ले सकते हैं। ये लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है इसी वजह से मैं इतना डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च का पाउडर, ये देख सकते हैं आप काली मिर्च का पाउडर, उसे मैं इसमें ऐड कर दी। उसके बाद मैं इसमें नमक डालूंगी, नमक, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर ले लिया है उसे भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और ऐड करने के बाद मैं इसमें कुछ जो है वो ऑयल थोड़ा डालूँगी बस, उसके बाद मैं इसे सीटी लगा दूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुकर की सीटी जो है वो बंद कर दी है। अब यहाँ पर विसल होने के बाद जब हमारा मटर गल जाएगा तो उसको निकालने के बाद उसमें हम क्या मसाले ऐड करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ट्रस्ट मी गाइस, ऐसे छोला बनाकर और उसको आप उसके ऊपर सेव डालकर या समोसे के साथ आप खाइए, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। फ्रेंड्स मैं आज बनाने जा रही हूँ पुआ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है पुआ। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम जो है वो मैदा ले लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो 2 केले को इस तरीके से कट करके रखा है। आप चाहे तो पुए में एकदम गला केला जो है मैश कर सकते हैं, बट हमारे पास नहीं है एकदम गला केला तो हमने इसी केले को लिया है। उसके बाद हमने यहाँ 1 चम्मच जो है वो पोस्ते के दाने को लिया है, और उसके बाद यहाँ पर हमने कटे हुए नारियल लिए हैं, और चीनी जो है हमने यहाँ पर 150 ग्राम लिया है, तो और दूध जो है वो 1 बाउल लिया है। तो हमारा केला जो है वो अच्छे से गला होता तो हम उसको डायरेक्ट मैश करते मैदे में, बट हमारा केला जो है वो गला नहीं है, तो इसलिए हम इसको जो दूध में डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स इसका एक तरीके का क्रीम बना लेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तो अभी हमने जो मैदा लिया है, हम ये चीनी को जो इसमें लिए हैं उसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं,
और इसके बाद हम यहाँ पर सिर्फ केलों, जो केले हमने कट करके रखे हैं वो केले को हटाकर बाकी सारे चीज जो है वो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई कि आधा चम्मच जो है हमने यहाँ पर लिया है सोडा पाउडर। तो अब इन सबको मैं इसमें ऐड करूँगी और उसके बाद मैं पहले इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने पेस्ट है जो देख सकते हैं आप, तो ये मैंने एकदम अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया है। तो इसे मैं इसमें ऐड करूँगी और ऐड करने के बाद मैं इसे जो है वो अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स करूँगी। ये आप देख सकते हैं, तो ये अच्छे तरीके से पूरा फ्रेंड्स मिक्स कर देंगे ताकि हमारा जो लम्स है वो बिल्कुल भी ना बने। और ऐसे करने से फ्रेंड्स, आपको बता रही हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जो है वो पुआ बनता है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको मैं अभी अच्छे से फेंट कर और इसको 1 से 2 घंटे मैं रख दूंगी ताकि शाम में जब इफ्तार का टाइम हो तो उस टाइम इसको हम लोग छान के और सर्व करें सबको गर्मा गर्म। तो और आप इसमें चाहें तो आपको दूध, मतलब जैसे अगर इसका जो थिक कंसिस्टेंसी है उसका बहुत ज़्यादा थिक रहेगा तो इसमें थोड़ा सा दूध हम और ऐड करेंगे क्योंकि हमें इतना गाढ़ा जो बैटर इसका नहीं बनाना है। तो अभी पहले अच्छे तरीके से इसको पूरी तरफ से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि कहीं पर भी सूखा जो मैदा है वो ना रहे। फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा सा जो है वो तिल इस तरीके से रोस्ट करके इसको भी ऐड करेंगे तो इससे जो हमारा फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अभी हम इसको बहुत ही ज़्यादा फेटेंगे, उसके बाद मैं 1 से 2 घंटे तक इसको रख दूंगी, उसके बाद ही मैं इसको फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं जो मेरा ये पुए का जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम अच्छे तरीके से पतला हो चुका है। तो अभी मैं इसको स्टोर कर दूंगी और ये विस्कस देख रही हैं आप, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फटाता है। आप चाहे तो हाथ से भी इसको बहुत अच्छे से फेंट सकते हैं। तो अब मैं इसको ढक कर रख दूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दही बड़े का मम्मी पेस्ट बनाकर रखी है उसके लिए मैं सोच रही हूँ दही मैं फेंट कर रख दूँ। तो अभी मैंने मार्केट का जो है रेडीमेड दही मंगाया, क्लासिक दही। तो उसके बाद मैं इसको यहाँ पर इसमें ऐड करती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा दही जो है वो एकदम गाढ़ी है। तो अभी मैं पहले इसको दही ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पर दही में जो है वो मैं यहाँ पर रोस्टेड जीरा है वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा जीरा जो है इसमें गिर गया तो यहाँ पर मैं जो बाकी जीरा है वो डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें मिर्ची जो है वो अपने स्वाद के अनुसार डालूंगी, जिसको ज़्यादा खाना वो ज़्यादा खाए, जिसको कम खाना वो कम खाए। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची ऐड कर दी। उसके बाद मैं इसमें जो है वो नमक ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इनको अच्छे से एक बार मिक्सी में चला दूंगी ताकि जो दही है वो अच्छे तरीके से मसालों में घुल जाए। यहाँ पर जो है वो मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो मैंने अपने लिए मीठी वाली दही बना ली है। तो अब मम्मी जो है वो बड़े को जो अच्छे से फ्राई करके फिर उसके बाद पानी में डिप करके फिर इसमें ऐड करेंगी। तो मैं अभी जा रही हूँ बाकी का काम करने। यहाँ पर जो छोला है वो बन चुका है और इसमें मैंने छोला मसाला जो है वो ऐड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं एकदम गर्मा गर्म जो छोला मसाला है, अरे छोला है, वो हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर मम्मी जो है वो बड़ा को इस तरीके से छान रही हैं। आप चाहे तो किसी बर्तन पे भी कर सकते हैं बट मम्मी अपने हाथ में ही करती हैं। और यहाँ पर जो है वो गर्मा गर्म तेल में मम्मी ने बड़े को डाल दिया। तो अगर आप लोगों को इसका फुल रेसिपी चाहिए रहेगा तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि जब नेक्स्ट टाइम बने तो मैं इसका पूरा फुल ब्लॉग बनाऊँ। अभी इस तरीके से पूरा बड़ा जो है वो एक तरफ से अपना जो है वो नीचे का जो सरफेस है वो छोड़ देगा और उसके बाद अपने आप ही फ्लोट करने लगेगा बड़ा। तो एकदम स्पंजी इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बड़ा बनता है फ्रेंड्स। और इसके बाद यहाँ से निकालने के बाद हम उस पानी में जहाँ हमने रखा है उस पानी में हम ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक तरफ से जो बड़ा है वो हो चुका है, तो मैंने उसको टर्न कर दिया। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, जो मेरा बड़ा है वो अच्छे तरीके से मतलब फ्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा और फ्राई करना है। इसे यहाँ पर पानी में मैंने इसको डाल के डिप कर दिया है और अभी ये थोड़ा सा जब सॉफ्ट हो जाएगा, जब इसमें पूरा अच्छे तरीके से पानी भर जाएगा तो इसको हम अच्छे से गार के और उसके बाद हम इसको दही में ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो मैं पानी से इसको निकाल के एकदम अच्छे से स्क्वीज कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं जो है यहाँ पर मैंने जो दही बड़े का जो दही तैयार किया था उसमें मैं इसको ऐड कर दूंगी। ऐसी करते करते मैं सारे बड़े जो है इसमें डाल लेती हूँ।
यहाँ पर मैंने सारे दही बड़े जो है वो इस दही में ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसको रख दूंगी, तो शाम में इफ्तारी के टाइम पे इसे मैं सर्व करूंगी सबको। ऊपर में जो है रोस्टेड जीरे को, जीरे का और मिर्ची का पाउडर डालकर, और ये मेरा मीठा वाला दही है। यहाँ पर जो हमारा पुआ का बैटर जो है वो एकदम रेडी हो चुका है और यहाँ पर मम्मी ने घी भी चढ़ा दिया है, तो अब इसमें मम्मी एक एक करके जो है वो पुआ को डालेंगी। आप देख सकते हैं कि डालते ही अब देखिएगा कितने अच्छे तरीके से जो पुआ है वो अपने आप ही जो है वो नीचे का सरफेस छोड़ देगा और ऊपर में फ्लोट करने लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये फ्लोट हो रहा है और अभी मम्मी इसको टर्न करेंगे। इस तरीके से आप पुआ बनाइए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस पुआ बनता है। तो अभी सारे पुए बन जाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मम्मी वो पुए छान छान कर रख रही हैं और यहाँ पर मम्मी ने कढ़ाई जो चेंज कर दिया है क्योंकि उस कढ़ाई में अच्छे से हो नहीं रहा था, तो मम्मी दूसरी कढ़ाई में इसको डाल दी है। अब देख सकते हैं आप एकदम मस्त वाला पुआ हो रहा है और मम्मी यहाँ पर जो है पुए को रख रही हैं कैसरोल में। पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ब्लेंडर लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छा ब्लेंडर है। इसमें मैं प्याज डालकर और छोले के लिए मैं कट करूँगी, तो आप देखिएगा कैसे ये होता है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं प्याज जो है एकदम अच्छे तरीके से बारीक कट चुका है, इसको मैं छोले में यूज़ करूँगी। तो ये ब्लेंडर बहुत ही अच्छा है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये ब्लेंडर मतलब मेरे को लेकर बहुत ही काम इजी हो जाता है। यहाँ पर मम्मी ने फ्रूट चाट जो है वो कट करके रख दिया है और अब मैं इसको जो है इसमें चीनी और चाट मसाला वो एकदम शाम में मिलाऊंगी, नहीं तो अभी से ये पानी पूरा छोड़ देता है। और देख रहे हैं आप इतना प्यारा ऊपर में जो पपीता है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और मैंने यहाँ पर जो है वो घोल भी तैयार कर लिया है और यहाँ पर मम्मी ने मेरा फेवरेट जो है वो बैंगन का कट करके रख दिया है और मस्जिद के लिए भी मैंने यहाँ पर पैक कर दिया है। तो ये सारा काम मैंने पूरा फिनिश कर दिया, अब सिर्फ मुझे फ्राई करना है, तो मैं फटाफट जा रही हूँ फ्राई करने। तो फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, मतलब रमज़ान के टाइम पे जो हम लोग इफ्तार में बैठते हैं तो इफ्तार में हम लोग एक दुआ पढ़ते हैं जो कि सभी को ऑलमोस्ट पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि इफ्तार में मांगी हुई दुआएं कभी रद्द नहीं होती हैं, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए और मैं आप लोगों के साथ वो दुआ ज़रूर शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर यहाँ पर जो ऊपर शो कर रहा है, तो ये दुआ आप ज़रूर पढ़िएगा रमज़ान मतलब इफ्तारी के टाइम पर, ये आप पढ़िए, कोई एक भी पढ़े और सभी लोग उस पर आमीन बोले तो बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग कोशिश करेगा, और जिसको ये दुआ उर्दू में नहीं समझ में आएगी वो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएगा, तो मैं उनको हिंदी या इंग्लिश में भी लिख कर दूँगी। मैं अभी आई हूँ बाहर और मैं अभी देख रही हूँ कि मौसम जो है वो है हो गया पूरा बादल, तो यहाँ भी शायद बारिश हो सकती है क्योंकि हर जगह पर बारिश हो रही है। अब भी बताइए नागपुर में भी बारिश हो रही है, तो यहाँ हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा। दोपहर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, तो देखते हैं शाम तक में बारिश होती है कि नहीं। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में फ़्राई करने, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत लेट हो चुका था, तो मुझे मस्जिद के लिए भी मैंने निकाल दिया था मस्जिद के लिए, और उसके बाद मैं घर के लिए छान रही थी। तो अभी फटाफट मैं फ़्राई करके और जाऊँगी, मतलब इफ्तार के टाइम पे जो धुआँ है वो हम लोग ज़्यादा देर तक करते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर जल्दी फ्राई करके और अभी जाके हम लोग दस्तरखान पर बैठेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारा इफ्तारी जो है वो लग चुका है और इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप सो आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया, प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।